हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज का टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने रिग्रेशन एनालिसिस कवर किया था, बट वो 6.1 हमने उसमें सॉल्व किया था एक्सरसाइज। अभी ये वीडियो में मैं आपको 6.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं लोग वीडियो। सो यहाँ पे इस चैप्टर का सम सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, जो भी फॉर्मूलेज इसमें दिए हैं वो आपको आना चाहिए। तो 6.2 सॉल्व करने के लिए ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज दिया है वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपको मालूम है कि दो टाइप का रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। इसके पहले की वीडियो में मैंने कवर किया था रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अभी आर आपको मालूम है क्या है, आर इज कॉल्ड एज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम लोग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स वाई इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। या सेम थिंग आप देखो दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आर इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इफ अब देखो यहां पे सेकंड कंडीशन है, इफ बी वाई एक्स दैट मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इज मोर देन वन, देन बी एक्स वाई दैट मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई मस्ट बी लेस देन वन। दैट मीन्स एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर वन से ज़्यादा है तो दूसरे रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू वन से कम होना चाहिए। तो अगर बी वाई एक्स मोर देन वन है तो बी एक्स वाई लेस देन वन होना चाहिए, या रिवर्स भी हो सकता है, बी एक्स वाई अगर मोर देन वन है तो बी वाई एक्स आपका लेस देन वन होना चाहिए। ये कंडीशन है यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है देखो यहाँ पे बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, इसका फॉर्मूला ये है कोरिलेशन आर इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। सो बी एक्स वाई इक्वल टू आर इनटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सेम वे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स का देखो रिलेशन है कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, दैट मीन्स आर इनटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे दिया हुआ है मॉड, मॉड का मतलब मालूम है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू, ये दो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं हम लोग मॉड, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव लेना है आपको। तो मॉड ऑफ बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन टू, तो बी वाई एक्स इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स प्लस बी एक्स वाई इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, और उसका एवरेज लेना है आपको। दैट मीन्स दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट को ऐड करके उसका एवरेज लेना है, और जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव लिखना है, अगर नेगेटिव आएगा तो भी आपको पॉजिटिव लिखना है। तो ये जो वैल्यू होता है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया है इफ बी वाई एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इज पॉजिटिव एंड बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट मीन्स बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों अगर पॉजिटिव रहेगा दैट मीन्स जीरो से ज़्यादा रहेगा, सो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, व्हेन बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव कोरिलेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। एग्जैक्टली सेम वे देखो उसका अपोजिट भी होता है, बी वाई एक्स लेस देन जीरो है बी एक्स वाई लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मीन्स वॉट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव रहेगा। तो अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट का दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी नेगेटिव आएगा। सो व्हेन बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव कोरिलेशन इज पॉजिटिव, व्हेन बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव कोरिलेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। अगर सपोज बी वाई एक्स पॉजिटिव है और बी एक्स वाई नेगेटिव है दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो फिर दोनों नेगेटिव होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी नाउ वी कैन ईजिली स्टार्ट 6.2, हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज हुआ है फॉर अ बायवेरिएट डेटा वी हैव एक्स बार, एक्स मीन दिया है 53, वाई बार वाई मीन दिया है आपको 28, बी वाई एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इज -1.5
एंड बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज -0.2। क्वेश्चन इज हियर कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई बोला है, दैट मीन्स आपको आर निकालना है। एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इक्वल टू 50, एस्टिमेट एक्स फॉर वाई इक्वल टू 25। तो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो जब भी आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया रहेगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आर इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये सिंपल फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू। नाउ सी हियर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का साइन देखो नेगेटिव दिया है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों भी नेगेटिव है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। एंड दिस इज अंडर रूट बी वाई एक्स है -1.5 इंटू बी एक्स वाई इज -0.2 माइनस दिस विल बी अंडर रूट 0.3। 0.3 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो मिलेगा आपको -0.547, ये वैल्यू मिलेगा आपको 0.547। तो ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉग टेबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप जो है डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो आर इक्वल टू मिला अपने को -0.547। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया है, सेकंड देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इक्वल टू 50। ऑलवेज रिमेंबर इसके पहले के भी वीडियो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको एक्स का वैल्यू दिया रहेगा और क्वेश्चन रहेगा एस्टिमेट वाई, तो आपको निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो अगर वाई पूछा है तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालोगे, और अगर एक्स पूछा रहेगा तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एस्टिमेट वाई, तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालना है। सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला इज y माइनस y बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार। ये फॉर्मूला है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा y माइनस y बार देखो यहाँ पे दिया है 28, तो ये हो जाएगा आपका 28 इक्वल टू बी वाई एक्स। बी वाई एक्स आपको डायरेक्ट दिया है -1.5, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे -1.5 इंटू एक्स माइनस एक्स बार। देखो x बार भी आपको यहाँ पे दिया है 53। सो यहाँ पे ये हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्वेश्चन क्या दिया है एस्टिमेट y फॉर x इक्वल टू 50, तो आपको y फाइंड आउट करना है व्हेन x इक्वल टू 50। तो x का वैल्यू 50 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा व्हेन x इक्वल टू 50। सो देयरफॉर ये हो जाएगा y -28 इक्वल टू -1.5 इंटू x का वैल्यू 50 पुट करना है -53, ये हो जाएगा y -28 इक्वल टू -1.5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा ये। सो दिस इज y -28 इक्वल टू -1.5 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 4.5। सो दिस y इक्वल टू 4.5 -28 वहाँ पे जा करके +28 हो जाएगा। सो y इक्वल टू यू विल गेट हियर 32.5। ये सम सॉल्व हो गया, तो सेकेंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। देखो थर्ड आपको पूछा है एस्टिमेट x फॉर y इक्वल टू 50, तो जब भी आपको x एस्टिमेट करना रहेगा तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y यूज करना है। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो फॉर्मूला आपको मालूम है x माइनस एक्स बार इक्वल टू होता है बी एक्स वाई इंटू ब्रैकेट में y माइनस वाई बार, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स बार तो दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे आपको x बार इज गिवन 53, तो ये लिखेंगे हम लोग 53 इक्वल टू बी एक्स वाई भी आपको दिया है -0.2 इंटू y माइनस y बार इज ऑल्सो गिवन 28 दिस वन 28। क्लियर, ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। क्वेश्चन क्या बोला है एस्टिमेट x व्हेन y इक्वल टू 25, तो हम लोग अभी y का वैल्यू 25 पुट करेंगे यहाँ पे। सो वी विल राइट हियर व्हेन y इक्वल्स टू 25,
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो ये हो जाएगा x माइनस 53 इक्वल टू माइनस 0.2 ब्रैकेट y का वैल्यू 25 पुट करना है माइनस ये 28 है तो ये हो जाएगा x माइनस 53 इक्वल टू माइनस 0.2 25 माइनस 28 इज माइनस 3 सो दिस इज x माइनस 53 इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा 0.6 सो दिस x इक्वल टू 0.6 प्लस 53 हो जाएगा तो आंसर विल बी x इक्वल टू 53.6 दिस इज द आंसर ठीक है तो x का वैल्यू एस्टिमेट हो गया यहाँ पे y का वैल्यू एस्टिमेट हो गया तो ये सम जो है सॉल्व हो गया बहुत ही ईजी है 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे x एंड y टू वेरिएबल दिया है यहाँ पे मीन दिया है 10 और 90 स्टैंडर्ड डिविएशन है 3 और 12 दैट मीन्स वेरिएबल x का मीन दिया है 10 मतलब वो x बार का वैल्यू है वेरिएबल y का मीन दिया है 90 मतलब वो y बार का वैल्यू है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएबल x 3 तो ये सिग्मा x हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएबल y 12 दिया है सिग्मा y तो जो भी वैल्यूज दिया है उसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट r का वैल्यू दिया है 0.8 तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना है सेकंड है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y थर्ड है फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 15 एंड फोर्थ है फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 120 तो ये सब सॉल्व करना है तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन जो गिवन वैल्यू है सबसे पहले हम लोग उसको नोटेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये जगह देखो x बार इक्वल टू x का जो मीन है वो 10 दिया है y बार y का मीन आपको दिया है 90 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x तो उसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा x दिस वे 3 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y तो उसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा y इक्वल टू 12 और r का वैल्यू दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.8 तो आपको निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y इक्वेशन ऑफ y ऑन x चाहिए तो सबसे पहले आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x निकालना पड़ेगा तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x बी वाई एक्स लिखते हैं हम लोग और इसका फॉर्मूला है r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x सॉल्व करते हैं r का वैल्यू दिया है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा y इज 12 डिवाइड बाय सिग्मा x इज यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा बी वाई एक्स इक्वल टू 0.8 इंटू ये डिवाइड हो जाएगा 3/4 सो दिस हो जाएगा बी वाई एक्स इक्वल टू 3.2 दिस इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x मिला ये हो गया आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x ठीक है अभी हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकाल सकते हैं सो देयरफॉर रिग्रेशन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फॉर्मूला है इसका y माइनस y बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट में x माइनस x बार तो ये हो जाएगा आपका y माइनस वैल्यू पुट करते हैं हम लोग y बार दिया है देखो यहाँ पे y बार इज 90 तो यहाँ पे 90 पुट करेंगे बी वाई एक्स यहाँ पे फाइंड आउट किया है 3.2 इंटू ब्रैकेट x माइनस x बार तो x बार इज गिवेन हियर x बार अपने को दिया है दिस 10 तो यहाँ पे 10 ले लिया हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन करते हैं इसको तो ये जगह y माइनस 90 इक्वल टू 3.2 इंटू x सो दिस इज 3.2x हो जाएगा माइनस 3.2 इंटू 10 किया सो दिस इज 32 सो y इक्वल टू हो जाएगा 3.2x माइनस 32 माइनस 90 वहाँ पे जाएगा तो प्लस 90 हो जाएगा सो दिस y इक्वल टू 3.2 इंटू एक्स 90 माइनस 32 करेंगे तो अपने को 58 मिलेगा सो दिस इज प्लस 58 दिस वे सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मिला मतलब ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मिल गया दैट मीन्स ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x तो व्हेन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मिल गया हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 15 तो ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग तो वी विल सॉल्व द थर्ड पार्ट हियर व्हेन x इक्वल टू 15 जब भी x का वैल्यू 15 दिया जाएगा सी क्वेश्चन इज एस्टिमेट y दैट मीन्स अगर आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना पड़ता है तो ये हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x अभी y का वैल्यू निकालना है x का वैल्यू 15 यहाँ पे पुट करेंगे तो व्हेन x इक्वल टू 15 तो y इक्वल टू जाएगा 3.2 इंटू 15
प्लस 58, सो दिस वाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, तो 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा जो है 45, और ये 3 करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48.0 प्लस 58, तो आपने इसको ऐड किया, 106 आ जाएगा आंसर। तो वैल्यू ऑफ वाई हम लोगों ने एस्टिमेट किया 106, तो ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो इसे भी सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड इसमें पूछा आपको सब क्वेश्चन की फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। पहले हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकाला, अभी आपको पूछ रहा है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकालना पड़ेगा। तो बी एक्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है कोरिलेशन आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, आर इक्वल टू दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इज 3, तो ये 3 हो जाएगा अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इज 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे हम लोग। सो दिस बी एक्स वाई इक्वल टू 0.8 इंटू, डिवाइड करोगे 3 वन ज़ा 3 फोर ज़ा दिस वे, तो बी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 4, यू विल गेट हियर 0.2। सो दिस इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। एक बार रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई मिल गया, देन वी कैन फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सो रिग्रेशन इक्वेशन, सी हियर, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो इसका फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार, ये इसका फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, एक्स माइनस एक्स बार आपको दिया है 10 इक्वल टू बी एक्स वाई, बी एक्स वाई का वैल्यू निकाला है 0.2 इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार इज 90, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0.2, इसे ब्रैकेट ओपन करो तो 0.2 इंटू वाई, तो 0.2y हो जाएगा माइनस एंड 0.2 इंटू 90 किया, सो दिस विल बी माइनस 18 हो जाएगा, ये दिस वन 0.2 इंटू 90 किया हम लोगों ने तो ये 18 हो जाएगा। सो दिस x इक्वल टू 0.2y माइनस 18 है, माइनस 10 वहाँ पे जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, सो दिस x इक्वल टू 0.2y एंड दिस विल बी माइनस 8, सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो ये मिला आपने को रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी फोर्थ सब क्वेश्चन है एस्टिमेट एक्स व्हेन वाई इक्वल टू 120, तो देखो फोर्थ सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, व्हेन वाई इक्वल्स टू 120, तो एक्स का वैल्यू एस्टिमेट करना है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू 120 और ये माइनस 8, सो दिस एक्स इक्वल टू 0.2 इंटू 120 करेंगे हम लोग, सो विल गेट हियर 24 दिस वे माइनस 8, सो दिस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 16, तो आंसर मिलेगा आपको 16। तो ये सम देखो सॉल्व हो गया, बहुत इजी है, जस्ट आपको फार्मूला गो थ्रू करना है। एक बार आपको फार्मूला रिमेंबर हो गया तो उसके बाद इजीली आप सम्स को सॉल्व कर सकते हो। देखो नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ब्रिंग आउट द इनकंसिस्टेंसी इफ एनी इन द फॉलोइंग। ये लेक्चर के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज दिया था रिग्रेशन कोएफिशिएंट का और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। दैट मीन्स अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा दैट मीन्स प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा सो डेटा इज इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग चेक करते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू 1.30 एंड आर इक्वल टू 0.75, तो आपको चेक करना है कि डेटा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने देखो एक प्रॉपर्टी दिया था, प्रॉपर्टी मैंने ये दिया था आपको मॉड ऑफ बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ आर, ये आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो डेटा कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। तो जस्ट हम लोग चेक करके देखते हैं, यहाँ पे बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई का वैल्यू है 1.30 डिवाइड बाय 2 करते हैं हम लोग मॉड ऑफ मोर देन और इक्वल टू आर का वैल्यू है 0.75 दिस वे, तो 1.30 अपॉन 2, तो 1.3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट हियर 0.65, तो 0.65 इज मोर देन और इक्वल टू 0.75, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना।
बिकॉज जो 0.65 है वो 0.75 से लेस है, तो 0.65 इज मोर देन 0.75 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. देयरफॉर 0.65 मोर देन और इक्वल टू 0.75 इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू. तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. देयरफॉर गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट. तो ये सॉल्व हो गया. देखो यहाँ पे सेकंड क्या दिया है, बी वाई एक्स इक्वल टू बी एक्स वाई इक्वल टू 1.5 एंड आर इक्वल टू माइनस 0.9 दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स है और जो एक्स ऑन वाई है दोनों का साइन पॉजिटिव है. तो अपने पास प्रॉपर्टी है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव रहेगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव रहता है. बट यहाँ पे रिवर्स है, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है बट यहाँ पे आर का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है. तो कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर द गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट. तो विल राइट हियर सिंस बी वाई एक्स and BXY both are positive दिया है. therefore R must be positive. तो R का value भी आपका positive होना चाहिए. but यहाँ पे जो R का value दिया है वो negative दिया है, -0.9 which is not true. Therefore data is inconsistent. तो ये सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, डेटा इज इनकंसिस्टेंट है. थर्ड देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है. सब क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन है बी वाई एक्स का वैल्यू देखो 1.9 है और बी एक्स वाई का वैल्यू जो है -0.25 है. देखो बी वाई एक्स, यहाँ पे बी वाई एक्स का वैल्यू दिया है आपको 1.9 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है मोर देन जीरो, एंड दूसरा वैल्यू है बी एक्स वाई, इसका वैल्यू है -0.25 विच इज नेगेटिव वैल्यू है. तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का साइन अपोजिट है. रूल क्या रहता है कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर दोनों भी नेगेटिव होगा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेटा इज इनकंसिस्टेंट. देयरफॉर गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट, गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट. ये सॉल्व हो गया, थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया. फोर्थ पार्ट देखो यहाँ पे, फोर्थ पार्ट बी वाई एक्स इक्वल टू 2.6 है एंड बी एक्स वाई इक्वल टू -0.25 है. सेम कंडीशन है यहाँ पे भी. देखो बी एक्स वाई आपका 2.6 पॉजिटिव वैल्यू दिया है एंड बी एक्स वाई इक्वल टू -0.25 नेगेटिव वैल्यू दिया है. बट अपना प्रॉपर्टी क्या है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का कि दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट या तो पॉजिटिव रहेगा या तो फिर दोनों नेगेटिव रहेगा. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दैट मीन्स डेटा इज इनकंसिस्टेंट. तो सेम आंसर आएगा फोर्थ का, फोर्थ वन ऑल्सो डेटा इज इनकंसिस्टेंट. तो ये सम सॉल्व हो गया. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेट ऑफ एक्स फॉर वाई इक्वल टू 10. दैट मीन्स आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन वाई इक्वल टू 10 दिया है. और यहाँ पे गिवन दिया हुआ डेटा, यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू 7.6, वाई बार इक्वल टू 14.8, सिग्मा एक्स इक्वल टू 3.2 एंड सिग्मा वाई इक्वल टू 16 एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.7. तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है एस्टिमेट ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल टू 10. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालेंगे, और जब आपको वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालेंगे. तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालेंगे. बट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई. तो फर्स्ट विल फाइंड आउट बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई. फॉर्मूला आपको मालूम ही है, आर इंटू होता है स्टैंडर्ड डिवीशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीशन ऑफ वाई. आर का वैल्यू दिया है
0.7 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आपको दिया है 3.2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दिया है यहाँ पे 16 दिस वे। तो ये सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 0.7 इंटू इसको कैंसिल करेंगे तो 0.2 मिलेगा, मल्टीप्लाई किया अगर आपने तो 0.14 आएगा। सो दिस इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। एक बार रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई मिल गया देन वी कैन फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। सो देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन राइट हियर, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय हियर एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू होता है बी एक्स वाई इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार। ये फॉर्मूला है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 7.6 इक्वल टू बी एक्स वाई, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 0.14, सो 0.14 इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार इज गिवन हियर, वाई बार आपको दिया 14.8, दिस इज 14.8 सी। तो ये हो गया आपका लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई हो गया। बट क्वेश्चन इज एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर वाई इक्वल टू 10, तो हम लोग वाई का वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, तो विल राइट हियर व्हेन वाई इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा एक्स माइनस 7.6 इक्वल टू 0.14 इंटू वाई का वैल्यू 10 है तो 10 माइनस आएगा ये 14.8, सो दिस इज एक्स माइनस 7.6 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करोगे आप, सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसको 0.4 इंटू 10 माइनस 14.8 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस दिस इज 4.8 आ जाएगा। सो दिस इज एक्स माइनस 7.6 इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस 0.672 ये वैल्यू मिलेगा। सो दिस एक्स इक्वल टू माइनस 0.672 माइनस 7.6 है तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा तो प्लस 7.6 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको x इक्वल टू 6.928, ये सम जो है सॉल्व हो गया। सो दिस इज द लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेट ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 10, तो ये सम सॉल्व हो गया आपका।